The whey protein used in our products is procured from the United States. All our flavors are England made. When we say that world-class supplements, yes, there is a problem in India. क्यों यहाँ पर वर्ल्ड क्लास सप्लीमेंट्स अभी तक नहीं बन पाए हैं और जो लोग क्लेम करते हैं वो क्लेम गलत करते हैं. आई विल टेल यू द रीजन व्हाई. इंडिया के अंदर जो दूध की क्वालिटी है, द मिल्क क्वालिटी, इट इज नॉट कंसिस्टेंट. इंडियन मिल्क इज नो, देयर इज नो डाउट इंडियन मिल्क में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा प्रोटीन कंटेंट है, बहुत ज्यादा प्योरिटी है, बट देयर इज अ वर्ड कॉल्ड कंसिस्टेंसी. जब दूध कंसिस्टेंट नहीं होगा तो उस क्वालिटी का प्रोटीन हर बार नहीं बन पाएगा जो हम अपने हर जार में डाल सकेंगे और हम बोल सकेंगे कि वी एज अ मैन्युफैक्चरर गिव अप कंसिस्टेंसी ईच एंड एवरी जार. सो व्हाट हैपेंस इज द फार्मर्स दे सप्लाई द मिल्क टू द मैन्युफैक्चरर्स. इंडिया में हुआ क्या कि जब दूध सप्लाई हुआ उसके बाद उसका पनीर बनाया गया, व्हाट वी कॉल इज चीज. चीज को बनाने के बाद क्या हुआ, जब फिल्ट्रेशन प्रोसेस की गई, वे प्रोटीन कैसे बनता है, वे प्रोटीन इज मेड आफ्टर द फिल्ट्रेशन ऑफ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ चीज. तो जब फिल्ट्रेशन पहली बार हुई तो 20% प्रोटीन निकला पर 100 ग्राम चीज वाटर में. नेक्स्ट टाइम फिल्ट्रेशन हुई 35%. ऐसे बढ़ते बढ़ते हम लोगों ने इंडिया में 70% तक अचीव किया. कुछ अच्छी कंपनीज ने इंडिया में, मैं अच्छी इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज दे ट्राई हार्ड, उन्होंने बहुत कोशिश की कि इसको 70% से 80% पर ले आए, जो कि सिर्फ आज की डेट में वेस्टर्न कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज या न्यूजीलैंड, इन सारी कंट्रीज में ही अवेलेबल है. इंडिया में WPC 80 वे प्रोटीन कंसेंट्रेट 80 ग्राम्स बना, बट वो कंसिस्टेंट नहीं हो पाया बिकॉज दूध की क्वालिटी पीछे से कंसिस्टेंट नहीं थी. तो थक हार कर वी एक्सेप्टेड, एब्सोल्यूट ने भी मान लिया कि इंडिया का जो प्रोटीन है 70% तक कंसिस्टेंट रह सकता है, 70% तक कंसिस्टेंसी आ सकती है, बट 80% अगर चाहिए WPC 80 विच इज अवेलेबल ओनली इन द वेस्टर्न एंड यूरोपियन कंट्रीज, सो वी हैव टू योर सोर्स इट फ्रॉम देयर. तो यूनाइटेड स्टेट्स से, इट इज पार्ट ऑफ अ ट्रेड सीक्रेट, आई कैन नॉट नेम द ब्रांड, वहाँ से हम लोग उस ब्रांड को प्रोक्योर करते हैं अपनी फैक्ट्री के अंदर और उसी प्रोटीन को यूज करते हैं एब्सोल्यूट के हर प्रोडक्ट के अंदर. आई कैन नॉट नेम द ब्रांड बिकॉज अगेन दिस विल नॉट बी लीगल फॉर मी. There's a very, very, very renowned brand. It is the top-selling brand in the world, which uses the same protein, the same raw protein which Absolute uses. And I think we are the only company in India who actually uses that protein. So that is why I'm saying, be assured, you are selling one of the world's top brand, that is Absolute Nutrition. The next issue was the flavors. I think there's a sampling station outside. We claim that our quality is the best. The challenge was flavors now. जितने भी flavors हैं imported brands के अच्छे थे, Indian brands के flavors उतने अच्छे नहीं बन पाए, that is very true. So what we did was, there's a very famous company in England, we sourced the flavors from there. हमारे जितने भी products हैं उनके अंदर जितने भी flavors हैं, they are exotic. You just taste one of our flavors, mango, chocolate or cafe mocha, anything. We try to keep our flavors close to the tongue feel of the consumer as he or she goes to the nukkad wala juice wala. For example, you go to the juice wala and you ask him for a banana shake. If I keep Absolute's banana protein, banana flavored protein, you cannot judge ki aap shake kaun sa pe rahe ho aur whey protein kaun sa pe rahe ho. So that is the kind of quality we have tried to maintain to get close to your tongue, get close to your hearts. So in terms of flavors, we try to give you the product or the flavor which suits you in the daily life. You cannot से कि यार ये पीकर मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं प्रोटीन पी रहा हूँ. एक्चुअली यू आर कंज्यूमिंग प्रोटीन बट व्हेन यू टेस्ट इट यू विल से कि यार मैं एक्चुअली नेचुरल फ्रूट या नेचुरल कोई ऐसी चीज ले रहा हूँ जो नेचुरली अकर करती है ऑन द जनरल स्ट्रीट्स. इफ यू टेस्ट द मैंगो फ्लेवर ऑफ आवर प्रोटीन, आई विल रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू टू टेस्ट इट, यू विल श्योरली से कि आप अल्फेंजो मैंगो ही खा रहे हैं. सो प्लीज गो फॉर इट व्हेन यू लीव दिस प्लेस. The manufacturing facility is a state-of-the-art facility where every ingredient has to go through stringent quality tests in a highly equipped laboratory. I'll just wrap up this presentation fast. I want you to interact with sir. Jitne bhi India mein supplement companies, I'm not saying about pharmaceutical companies. We have very good pharmaceutical companies in Himachal Pradesh, our area, Chandigarh and everywhere in the country. Problem kahan thi ki सप्लीमेंट इंडस्ट्री में इतना हाई स्टैंडर्ड प्लांट या फैसिलिटी आज तक नहीं लगी थी जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स, फॉर एग्जांपल विटामिन B12, एनीबडी हु नोज विटामिन B12 का 1 kg का कॉस्ट कितना होता है, कैन यू इमेजिन सर प्लीज, एनीबडी कैन इमेजिन,
एक किलो का जो उसका प्राइस है इट इज 22 लाख रुपीज। तो एक्चुअली में अगर हमारी फैक्ट्री में 5 किलो भी चोरी हो जाएगा तो विल नॉट सर्वाइव देन। तो विटामिन B12 अगर मार्केट से या डिस्ट्रीब्यूटर से या इंपोर्टर से सोच लीजिए एक किलो गलत आ गया तो आप तक तो वो प्रोडक्ट दे ही नहीं पाए एंड वी आर बीइंग लूटेड एंड चीटेड आल्सो। तो इंडियन सप्लीमेंट इंडस्ट्री में अभी तक क्या था, ऐसी इक्विप्ड इंस्ट्रूमेंट्स और लेबोरेटरीज नहीं है। फॉर एग्जांपल टू टेस्ट द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दैट इज विटामिन एंड मिनरल्स द एपरेटस और द इंस्ट्रूमेंट व्हिच हैज टू बी यूज्ड दैट कॉस्ट 70 लाख और रुपीज। तो सप्लीमेंट इंडस्ट्री में ऐसे ब्रांड्स तो हैं जो अपने आप को ब्रांड्स बोलते हैं बट दे डू नॉट एक्चुअली टेस्ट द इंग्रेडिएंट्स। हो सकता है उसको विटामिन B12 सप्लाई ही ना हो रहा हो। So each and every ingredient has to go through stringent quality tests in our highly equipped lab. We have not just made a facility जिसके अंदर raw material आया उसको blend करके बस बाहर भेज दिया। We actually test each and every ingredient so that we scrutinize what we are getting. First of all, we are not cheated from our importer, and secondly, you are not cheated by us. So we make very sure that every ingredient has been tested when it enters our factory. All our formulations have been developed by renowned scientists of the country. Name is undisclosed. I'm sorry. We have less questions, huh? Just you need to back up. Okay. How many times has Mr. Sangram Chogle won Mr. Universe title? Come on, yes. What is okay? Two times. So it's something we all need to know. Okay. What is the birthplace of Sir Sangram Chogle? Kolhapur. Yes. आप बॉडी बिल्डिंग कर जाओ, आपका बॉडी अच्छा रखते हो, इट्स गुड थिंग। कंपटीशन के लिए प्रिपेयर मत करो यार, क्योंकि बॉडी बिल्डर को समझता नहीं है कि आपका एज अभी हो गया भाई, आपका 45 एज हो गया तो यू कांट कम्पीट विथ 30 एज के गाय के साथ, क्योंकि उसके मसल बढ़ते जा रहे हैं और आपके मसल कम होते जा रहे हैं। लेकिन बॉडी बिल्डर को क्या रखता है कि मेरा बॉडी वैसे के वैसे जैसा मेरा 30 ईयर में था। तो इस चीज़ के कारण फिर अभी मास्टर्स का कॉम्पिटिशन निकला कि एटलीस्ट बॉडी बिल्डर भी बहुत कीड़े रहते हैं, उनको हमेशा लगता है यार कि मैं उससे अच्छा हूँ। फिर आपको खुद को लगता है कि आप अच्छे तो जजेस क्यों बैठे सामने। फिर आपके दोस्त आपको क्या बोलते हैं, यार तेरा एप बहुत अच्छा था, वो सामने वाला नहीं था। यार अगर आप सच्चे दोस्त हो तो उसको बताओ कि आपका खराब क्या है ताकि आप नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रूव करके आ जाओ। लेकिन आप अपने दोस्त को गलत चीज़ें बता रहे हो, यार उससे तुम्हारे ऐप अच्छे थे, लेकिन आप उसको नहीं बोल रहे कि उसके बाकी 6 मसल्स बाकी 6 पोजेस उसके तुम्हारे से अच्छे थे। तो बंदा उसको देखता है पानी में, फिर सर इसको कुछ होना चाहिए, फिर मेरा नंबर आएगा। तो इस चीज़ के अगर इंडिया में बॉडी बिल्ड नहीं बढ़ रहा, क्योंकि हर कोई अगर आपको किसी को ऊपर ले रहा है तो आपको वो चीज़ वो स्टेप छोड़ना पड़ेगा, तभी वो बंदा ऊपर आ जाएगा। किसी को हाथ देने की कोशिश मत करना ऊपर लेने के लिए, इससे अच्छा है कि आप वो जगह छोड़ के ऊपर आ जाओ जिसको ऊपर आना है खुद आ जाएगा, क्योंकि हाथ दोगे तो मे भी आपको नीचे खींचेगा वो। सो डोंट डू दैट। आपका काम है कि ऊपर जाना है, आप ऊपर जाओ, आपका प्लेस दूसरा कोई ले लेगा जिसमें उतनी स्ट्रेंथ है, जिसमें उतना करेज है। तो ये सारी चीज़ें मैं 4-5 घंटे आराम से बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे में इतना कुछ भरा हुआ है बात करने के लिए। तो मैं वो मेरे कॉम्पिटिशन में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा, और मैं भी लाइव जब जाऊँगा तो बताता जाऊँगा। अभी एब्सोल्यूट के विजन क्या है कि बिजनेस इज देयर, क्योंकि विदाउट अर्निंग वी कांट स्पेंड, बट देयर इज नॉट ओनली प्योर बिजनेस। हम लोगों को वही दे रहे हैं जो उनको चाहिए। हर कोई बंदा इम्पोर्टेड सप्लीमेंट के पीछे भाग रहे, क्यों? बिकॉज ऑफ नेम ओनली। तो हमारा कहना क्या है कि यू जस्ट ट्राई द प्रोडक्ट, बाकी खाओ मत ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। उसके साथ एक बार एक खा के देखो, सेम रिजल्ट आपको मिल रहे हैं इंडियन प्रोडक्ट के साथ, और आपका पैसा भी बच रहा है, सो इट्स वेरी गुड थिंग। क्योंकि सप्लीमेंट इज सप्लीमेंट, सप्लीमेंट कांट रिप्लेस द मेन फूड। और लोगों को ये मालूम नहीं है कि 80% इज फूड, 20% इज सप्लीमेंट। आजकल क्या हो रहा है कि संग्राम सर ने बोला ना एब्सोल्यूट 80% 10 स्कूप आइसोलेट एवरी डे, उसमें से कुछ जगह पेट में रहा तो फिर एक दो अंडे खाऊंगा, थोड़ा चिकन खाऊंगा, ऐसा होता नहीं है, टोटल उल्टा है। सप्लीमेंट इज अ सप्लीमेंट थिंग, आपको सप्लीमेंट को सप्लीमेंट की तरह खाना चाहिए। 80% शुड बी योर फूड नेचुरल फूड, सप्लीमेंट्स आर नेचुरल। क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि सप्लीमेंट डुप्लीकेट है, तो डुप्लीकेट और नेचुरल में मतलब मुझे कभी पता नहीं चला।
नहीं ये डुप्लीकेट बॉडी है और हमारा नेचुरल बॉडी है, ये दोनों का कुछ मेल है नहीं, बराबर नहीं। डुप्लीकेट के साथ ओरिजिनल आना चाहिए ना। लोग बोलते हैं कि डुप्लीकेट बॉडी है और ये मतलब नेचुरल बॉडी है। तो सप्लीमेंट नेचुरल फूड से बनता है, दूध से बनता है सप्लीमेंट। तो उनका मेन सोर्स था, उन्होंने बताया था दूध से, दूध ही मेन प्रोडक्ट है, लेकिन दूध के बाद प्रोसेस होके आगे वो जो चीज वाटर रहता है उसके बाद सप्लीमेंट का, दैट इज द सेकेंड लास्ट प्रोसेस जिसके बाद बनता है। सो आपका भी सही था क्योंकि दूध के साथ ही पनीर बनेगा, चीज बनेगा, बट थोड़ा सा इम्प्रूव होना चाहिए आंसर, थोड़ा सा डेवलपमेंट होना चाहिए, इसलिए उनको प्राइज मिला था। आपके लिए दे रहे थे सर। सॉरी, आपके लिए दे रहे थे। वो भी चलता था लेकिन आपने डिसाइड किया था कि इतने प्राइज देने। सो मे बी अभी हम लोग को अनाउंस भी करेंगे बाद में कि इंडिया के अराउंड 50 to 70-60 लोगों को हम लोग कुछ एक इवेंट करें, उनको हम लोग प्राइज दे रहे हैं अपनी तरफ से, और मे बी मुझे चांस मिल रहा है उनके साथ खाना खाने का। सो ये विल अनाउंस हो जाएगा थोड़े दिन के बाद। सो इतना है कि आप सप्लीमेंट को सप्लीमेंट तरह यूज़ कीजिए और ट्राई कीजिए एक बार, क्योंकि अगर आप मुझे कोई पूछता है कि सर आप मुझे सप्लीमेंट कौन सा लेना चाहिए और कौन सा लूँ, तो मैं बोलता हूँ कि यार एब्सोल्यूट लो ऐसा मैंने आज तक आपने एक भी कॉमेंट में पढ़ा रहेगा कि गो फॉर एब्सोल्यूट न्यूट्रिशन। मैंने ये बोला रहेगा कि अगर आपको सप्लीमेंट लेना है तो यू कैन गो टू एब्सोल्यूट, क्योंकि मैं खा रहा हूँ ये चीज़, आपको खाना है तो आप खा सकते हो, अगर अच्छा लगा तो यू कैन गो, अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो आपके पास दूसरी चॉइस है। सो अगर आपको कोई भी नई चीज़ ट्राई करनी है सो यू कैन ट्राई विद अस, अगर आपको अच्छा लगा तो यू कैन, डेफिनेटली अच्छा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि जब तक वो ट्राई नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। जैसे सर ने बताया था कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि अगर कैफे मोका है तो आपको पीते समय लगना चाहिए कि कैफे मोका क्या है, तो जिन लोगों ने कैफे मोका पिया है कॉफी उनको ही पता चलेगा कि दिस इज अ कॉफी फ्लेवर। जिनको फ्लेवर ही मालूम नहीं है वो बोलेंगे संग्राम सर का फेवरेट फ्लेवर है तो मैं भी ले रहा हूँ, लेकिन कैफे मोका रहता क्या है वो तभी पता चलेगा आपको जब आप वो कॉफी जाके पियोगे। सो बाहर मुझे लगता है कि कौन सा मैंगो फ्लेवर, मैंगो है, कैफे मोका है, आप ट्राई करो जस्ट आँख बंद करके और देखो कि आप सप्लीमेंट सोचो ही मत कि क्या पी रहे हो, जस्ट ट्राई इट, आपको लगेगा कि समथिंग मेड फ्रॉम मैंगो और समथिंग मेड फ्रॉम बनाना आप पी रहे हो। सो हम लोग ट्राई करें, हम लोग बोलते नहीं कि हम लोग 100% परफेक्ट है, लेकिन वी आर ऑन द वे टू 100%। सो जस्ट ट्राई कीजिए इन चीज़ों में, और जैसे मैंने बोला था कि लाइफ फर्स्ट देन रेस्ट, बहुत सारे लोग शॉर्टकट चीज़ें यूज़ करके जल्दी चैंपियन बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि इंस्टेड ऑफ बीइंग रॉकेट गो फॉर एरोप्लेन, क्योंकि एरोप्लेन का टेक ऑफ भी होता है लैंड भी होता है, रॉकेट का लैंडिंग है नहीं। तो रॉकेट बनने से अच्छा है कि एरोप्लेन बन जाए, क्योंकि आपके घर वाले पीछे रहते हैं आपके, जब बॉडी बिल्डिंग आप करते हो ना आपको पता नहीं चलता कि पीछे कौन खड़ा है, आपको सिर्फ आगे वाला दिखता है कि इसको मुझे बीट करना, और बेचारा सामने वाला कॉम्पीट भी नहीं करने वाला रहता तो आपका टारगेट निकल जाता है। सो डोंट पुट टारगेट, किसी को टारगेट मत करो, टारगेट रखो टाइटल को। जैसे इंडिया में आज भी बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि संग्राम को बीट करने वाले हैं, संग्राम कॉम्पीट नहीं करेगा तो बीट कैसे करोगे, सिंपल चीज़ है ना। तो बीट करना है तो मिस्टर इंडिया का टाइटल बीट करो, मिस्टर यूनिवर्स का करो, मिस्टर एशिया का करो, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम बोला गया था जब मैं कॉम्पीट करने वाला था कि तुम्हारे इसमें मुरली कुमार आने वाला है, तो तुम्हारे इसमें और एक नेवी का बड़ा बॉडी बिल्डर है, हेलो सर, हरिप्रसाद। तो मैंने जब इंजरी के बाद कॉम्पीट चालू किया तो मुझे लगा कि ये दोनों तुम्हारे साथ हैं, इसको तुमको कम्पीट करना है। तो मैं जब कॉम्पीट करने के लिए गया तो दोनों थे ही नहीं, तो अच्छा हुआ कि मैंने उनको टारगेट नहीं रखा, टारगेट के लिए अगर उनको रखता था तो वो नहीं खेले तो मतलब मुझे खेलना नहीं था कॉम्पिटिशन। तो सिंपल चीज़ है, मैंने टारगेट रखा कि मुझे गोल्ड मेडल जीतना है मेरे ग्रुप में, मुरली कुमार 100+ खेलता है, हरिकुमार 100+ खेलता है, मैं उनके पीछे भागूंगा, मेरा ग्रुप 85 के जी, आई शुड गेट दैट चैंपियनशिप नो, देन रेस्ट चेक करूँ मैं, देन मैं मेरे ग्रुप में चैंपियन बन गया और ये दोनों बंदे खेले ही नहीं कॉम्पिटिशन, तो मेरा यूरोपियन जो वर्ल्ड था उसके साथ मेरा कंपेरिजन हो गया। सो डोंट पुट एनीबडी एनी पर्सन एज अ टारगेट, जो आपको टारगेट रखना चाहिए वो गोल जो अचीवमेंट आपको लेना है वो, दैट्स अ थिंग। इतनी बहुत सारी चीज़ें और भी बात करने के लिए मेरे पास, बट जैसे यहाँ पे जितने लोग एब्सोल्यूट के लिए आ गए, अंशुन भाई थैंक यू सो मच कि इतने लोगों आपने गैदर कर दिया, और ये जो वीडियोस है आपने देखे
भाई लाइफस्टाइल के नाम से थे, लाइफस्टाइल मतलब ये मेरा लाइफस्टाइल नहीं है कि सुबह उठ के मैं जस्ट वो नींद से उठता हूँ, बार बार दोपहर जाके बीच के ऊपर रनिंग करने के बाद फिर वर्कआउट और फिर से रेस्ट, ऐसा होता नहीं है कभी। ये ईट ट्रेन स्लीप एंड रिपीट, अगर ऐसे करते रहोगे तो कभी घर से आपको निकाल दिया जाएगा। सो डोंट फॉलो द दीज थिंग्स। वो बात करने के लिए अच्छा रहता है ट्वाइस पे लिखने के लिए आपके फोटो के ऊपर, क्या पेनो पेन नो गेन, ये चीज़ें मतलब उसमें से कुछ आपको लेना चाहिए कि ईट ट्रेन स्लीप एंड रिपीट, ये चीज़ें कैसे काम करने के बाद फर्स्ट थिंग है काम, उसके बाद ये चीज चीजें आ जाती है। सो नो पेन नो गेन, अगर आपको हर दिन पेन हो जाएगा तो आप गेन की तरफ जाओगे नहीं, मतलब पैसे देके किसको पेन चाहिए। इसलिए तो बॉडी बिल्डिंग में अमीर लोग नहीं है ना, सब गरीब लोग है कि क्या बोलते, काम करके पेन करने से अच्छा वर्कआउट करके पेन ले ले और उधर जाके पेन पेन से नहीं कि हर एक को बहुत ताकत है, स्टेज पे जाके भी हार दे तो अरे क्या हार गए, अभी क्या हो सकता है उसको, नेक्स्ट टाइम फिर से जाना और क्यों हारे तो सोचता नहीं कोई, तो सामने वाला बंदा क्या कर रहा है, फिर उसका जो इजी चीज है वो देखेंगे। अच्छा वो बंदा इसके पास जाता है ना तो उसके पास जाता हूँ, क्या करते देखता हूँ। हार्डवर्क के बारे में कोई सोचेगा नहीं कि आप खुद को आईने में देखो, आप बॉडी बिल्डर बन भी सकते हो, खुद को मालूम होना चाहिए ना। अगर सामने वाला आपको बोल रहा है अरे तू नेक्स्ट ईयर मिस्टर आसाम बन जाएगा, और मैं 60 kg का बंदा एक साल में आसाम कैसे बनेगा, लेकिन सामने वाला बंदा जादू कर देता है उसके ऊपर, तू मेरे पास आ जा तू नेक्स्ट ईयर मिस्टर आसाम, भी संग्राम मुरली बाकी सब किधर जाएंगे, भाई मिस्टर इंडिया एक साल में बन जाएगा आप लोग, ऐसा डायरेक्ट बोलते हैं, लिख के देता हूँ नेक्स्ट ईयर तो मिस्टर इंडिया। तो हमको वो जाके बोलेगा सर आप मत खेलो, मैंने एक को बताया कि उसको मिस्टर इंडिया बनना है, ऐसा कुछ है नहीं। कोई बंदा किसी को नहीं बोल सकता कि दो महीने में आपके बॉडी इतना बनेगा, देर इज नो स्ट्रक्चर, साचा कुछ बना हुआ नहीं है, हाँ तेरा वजन 85 है ना तू इस साचे में बैठ तो सब बन जाएगा, तेरा बॉडी बन के तो बाहर निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज करने से पहले थोड़ा सोचिए कि इज इट राइट, देन गो फॉरवर्ड, अंधे होके काम मत करो। और मैंने ये चीज़ें खुद के एक्सपीरियंस से बताई हुई, किसी बुक से पढ़ के नहीं बता रहा हूँ मैं, तो खुद का एक्सपीरियंस मैं बताना चाहता हूँ हमेशा, मुझे बोलना पड़ता है कि दिस इज माय एक्सपीरियंस, कि अगर मेरा डायट अगर पूछोगे तो मेरे फ्रेंड है यहाँ पे सोहेल इज माय फ्रेंड, संजीव इज माय फ्रेंड, तो उनको मेरा डाइट मालूम है कि हर कोई बॉडी बिल्डर बोलता रहता है मैं 50 अंडे खाता हूँ, मैं 60 अंडे खाता हूँ रोज, 1 किलो, आपने मेरा डाइट पढ़ा रहेगा गूगल पे, 40 eggs पर डे, देन 1 kg chicken, 1 kg fish, देन 2 liter मिल्क, सर मिल्क पी के मुझे 10 साल हो गए, मैं एक अगर एक कप भी मिल्क दूध पीता ना मेरा पेट खराब होता है। तो ये चीज़ें ब्लाइंड आप हर कोई डाल सकते हैं गूगल पे कुछ भी, ऐसा ही नहीं मैं आदमी हूँ यार, 3 किलो मीट कैसे खाऊंगा पूरे दिन में, और लोग खाना चालू कर देते हैं ऐसी चीज़ें, मतलब ब्लाइंडली फॉलो मत करो किसी को। तो ये खाना चालू करेंगे ना, पेट आपका पेट है ना, मेरा पेट है, आपका आपका पेट है, तो आपने अभी बॉडी बिल्डिंग चालू किया और आप सोच रहे हो कि मिस्टर इंडिया बनना है जो मैंने 15 साल की बात किया, तो थोड़ा सोचिए आपको पता चल जाएगा आपको क्या करना है। और जितने भी जूनियर बंदे हैं जो कॉम्पीट करते हैं, जो कॉम्पीट करना चाहते हैं, दे कैन कम एंड कॉम्पीट इन माई कॉम्पिटिशन, जहाँ पे यू विल गेट अ चांस टू गेट अ बिग स्टेज, क्योंकि हम लोग जहाँ पे कॉम्पिटिशन ले रहे हो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, और मुझे बहुत ऑनर फील हो रहा है कि जो लोग मुझे लेकर कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। रॉजर फेडर आया था इंडिया में शायद लास्ट ईयर, तो उसका वहाँ पे इवेंट हो गया था, और उसके बाद आई एम द पर्सन स्पोर्ट्स पर्सन जिसका वहाँ पे इवेंट हो रहा है, आई एम हैप्पी विद दैट। मेरे इसमें के ऊपर मुझे लगता है कि 2 या 3% रॉन्ग कॉमेंट्स आए मेरे उस पोस्ट के ऊपर जो मैं कॉम्पिटिशन ले रहा हूँ, बाकी छोड़ के मुझे किसी के पास से किसी भी स्टेट से मुझे रॉन्ग कॉमेंट आया नहीं कि संग्राम क्लासिक के बारे में, मतलब क्या चल रहा है कैसे चल रहा है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि लोग उतना बिलीव करते मेरे ऊपर, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ मेरे ब्रांड्स के ऊपर, क्योंकि बिकॉज ऑफ देम आई एम डूइंग दिस थिंग्स, अगर उनका सपोर्ट नहीं रहेगा तो मैं आप लोगों को सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ। तो दिस इज थिंग एब्सोल्यूट ने इतना सारा किया है आपके लिए और मेरे लिए भी कि आप हमें एक दूसरे से मिला, सो इट्स अ ग्रेट प्लेजर बी हियर। और जब भी मैं कहाँ से जाता हूँ मतलब एज अ इवेंट के लिए जाता हूँ, जाते समय मुझे एक बैग खरीद के जाना पड़ता है, मुझे लगता है इस बार मुझे 2-3 बैग लेने पड़ेंगे, क्योंकि हर जगह पे मुझे आपके राइनो मिलते जा रहे हैं, तो कितने कैरी करेंगे पड़ेंगे मुझे मालूम नहीं है, तो हर जगह पे मैंने जब भी गया हूँ तो एक बैग के साथ मुझे एक बैग एक्स्ट्रा लेके जाना पड़ रहा है,
तो इस बार भी वैसे होने वाला है। बट मैं चाहूंगा कि मैक्सिमम यहाँ के लोग जो है, जो सेवन सिस्टर्स बोलते हैं इस साइड में, तो मैक्सिमम लोग यहाँ से कॉम्पीट करें वहाँ पे, क्योंकि जेनेटिक यहाँ का बहुत सही है, बहुत अच्छा है। जो मेन सबका टेंशन का काम है लेग, लेग की डेवलपमेंट, काप की डेवलपमेंट, वो यहाँ पे नेचुरली आपके पास है। स्किन क्वालिटी सुपर, आपकी बॉडी, मतलब सब लोग बोलते हैं कि राइस मत खाओ, मुझे लगता है आपके यहाँ पे राइस के छोड़ के कुछ खाते नहीं लोग, और हमारे बोलते हैं कि राइस खाओगे तो फैट बढ़ता है। सो यू आर द एग्जांपल कि राइस, मैं राइस ही खाता हूँ, मैं रोटी नहीं खाता हूँ, तो राइस के बाद राइस से फैट नहीं बढ़ता यार, नहीं तो आपके लोग फैटे हो जाते थे ना। तो ऐसा कुछ थोड़ा सा मिसगाइड हो रहे हैं सब लोग, मिथ्स आ रहे हैं। तो आप क्या करते हो कि जिस फेज में बॉडी बिल्डर का डाइट है उसका फेज नहीं देखते हो। बॉडी बिल्डर क्या खा रहा है, सॉल्ट नहीं खा रहा है, पूरा साल सॉल्ट नहीं खाना है, क्योंकि बॉडी बिल्डर नहीं खाता है। बॉडी बिल्डर पानी नहीं पीता है, पूरा साल पानी नहीं पीते, और फिर किडनी प्रॉब्लम हो जाता है, और उसी टाइम पे आपका सप्लीमेंट चालू रहता है कौन सा, तो सारा उसके ऊपर फूट जाता है कि सप्लीमेंट चालू है कि इसलिए मुझे किडनी स्टोन हो गया। नहीं, आपके पास दादा दादी है उनको भी होता है किडनी स्टोन, उनको मालूम भी नहीं सप्लीमेंट क्या है। तो सप्लीमेंट्स और सप्लीमेंट्स, उनका तरीका है खाने का, तो उसके हिसाब से खाइए, और थोड़ा सा सोचिए कुछ करने से पहले। यू कैन डेफिनेटली गॉट टू नो कि आपको क्या करना है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर इंस्पिरेशनल वर्ड्स। अभी सब लोग जुड़ जाएंगे बॉडी बिल्डिंग में सर। नहीं ऐसा सर, यहाँ पे राइस खाने से सब लोग डरते हैं, सब लोग सोचते हैं कि पेट निकल आता है। नहीं, मुझे लगता है आप सोचते हो। नहीं सर, मैं भी सोचती हूँ। आप ही सोचते हो, मेरा भी निकला हुआ है। क्या आप एक्सरसाइज करते नहीं रहोगे? लेकिन यहाँ पे सारे खाते हैं, मैंने बहुत कम लोग देखे जिनके पेट बड़े। मैं बात बताऊंगा नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ फोटो निकाले, तो शायद वो जिम लगाएंगे। अभी लगाना पड़ेगा उनको, क्योंकि जो लोग मेरे पास आए थे उनसे मेरा ज़्यादा मिलना हो जाएगा। और मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ, भाई क्या है, खजना कुछ है तुम्हारे पास बताओ हमें भी। सो देख लो यार, जिनको मतलब समझ जाए, मेरे को इशारा काफ़ी ऐसे बोलते रहे, तो शायद जिम ज्वाइन करेंगे। राइस से फैट नहीं बढ़ता है। टाइम, कौन से टाइम पे खाते हो, कब खाते हो, हर चीज़ उसके ऊपर मैटर करता है। बट जितना आप खा रहे हो, अगर उतना ही बर्न कर रहे हो, सो यू कैन ईट एनी टाइम। सर, इवेंट के बाद आपसे बात करेंगे, आप बोल दीजिएगा क्या खाना चाहिए।